परिवार में लड़खड़ाहट आने लग गई है, ऐसी स्थिति आने लग गई है। अब तुम्हारे बहुत समय बाकी नहीं है तुम्हारे पास, मगर फिर भी मैं तुम्हें उस जगह पर भी मिल रहा हूं और मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि उस रास्ते पर जाने से तुम्हें जीवन में आनंद नहीं मिल सकेगा। एक छोटे चांदी के कुछ टुकड़े मिल सकेंगे, कागज के टुकड़े मिल सकेंगे, उसके माध्यम से कुछ हो नहीं सकता, उसके माध्यम से जीवन में आनंद का उपयोग नहीं हो सकता। और संस्था को बनने के पीछे भी मेरा मकसद और सिद्धांत यही था। यह संस्था कोई मुझे रोटी रोजी का साधन नहीं है, रोटी रोजी का साधन तो मेरी ज्योतिष की किताबों से रॉयल्टी 23,000 रुपया हर महीना आती है। मैं कुछ भी नहीं करूं, आता नहीं लू तब भी मुझे 23,000 रुपये तो मिल जाएंगे। और मैं 2 रुपये जेब में डाल करके पूरा भारत घूमू तो 2 रुपये मेरे खर्च होते नहीं। रोटी कोई इससे खिला देता है, कपड़े कोई इससे पहना देता है, किसी मकान में रह जाता हूँ, खर्च मेरा होता ही नहीं। 2 रुपये वापिस 2 साल बाद ही घूम के आऊंगा, 2 रुपये जेब में रहेंगे, खर्च में रहेंगे, तंबाकू में रहता नहीं, बस मेरे पास कुछ है ही नहीं। इसलिए मुझे इन चांदी के चंद टुकड़ों से और तुम कागज के टुकड़ों से उसके लिए संस्था को आप लोगों को नहीं बुला रहा हूं। ये मूल आधार तुम्हारा मेरा आर्थिक संबंध नहीं है, ये प्राणों का संबंध है, ये आत्माओं का संबंध है, ये चिंतन का संबंध है, पूर्व जन्म के शिष्यों और गुरु के शिष्यों का संबंध है। और ये संबंध मेरे लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर तुम्हारे लिए अत्यंत गौरव की बात है। आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व से ये बात कह सकेगी कि तुम मिथिला स्वर्ण के शिष्य थे या रामी सिंह के शिष्य। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं हो तो मैं तुम्हें सौगंध देकर कहता हूं तुम्हें तांत्रिक सम्मेलन में जाना चाहिए। और उनमें से 5-10 उच्च कोटि के योगी, तांत्रिक का मतलब सब कोई खप्पड़ पहने हुए नहीं, योगी भी है सन्यासी भी है, उन 10 योगियों के बीच में से कहिए कि वो जो मंच में बैठा है वे गुरु है, मैं दीक्षा ली हूं उनसे, तो क्रोध लाल कर देगा, गर्म कुटी दिमाग खराब तुम्हारा, वो तो दीक्षा देगा, ठोकर मारेगा, बात मत करना, बहुत गुस्से वाला आदमी है, तुम वहां तक पहुंचने वाले 300 साल तुम्हें लगेंगे, विश्वास नहीं करेगा कि तुम्हें दीक्षा भी दे चुका है आदमी, इतना विश्वास नहीं करेगा। इससे ज्यादा गर्व की बात तुम्हारी जिंदगी में और भी क्या। और यदि उनको विश्वास हो गया, यदि मैं तुम्हें आवाज दी कि तुम मेरे शिष्य हो, मैं तुम्हें दीक्षा दी है, ये गृह शिष्य है मेरा, तो शायद मेरे चरण स्पर्श तो बाद में करेंगे, पहले चरण स्पर्श आप करेंगे। ऐसे करेंगे कि जरूर इनमें कोई विशेषता है कि निखिल स्वानंद ने इनको शिष्य बनाया, कोई बात बहुत ऊंची चीज है, दिखाई नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रही, मगर उसके पीछे मेरा मतलब इस जीवन का नहीं था, तुम्हें दीक्षा देने का मतलब इस जीवन से संबंध होने की वजह से नहीं है, पिछले जीवन का तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है, उससे पिछले जीवन का भी तुम्हारा मेरा लेखा जोखा बाकी है, 25 जन्मों का लेखा जोखा बाकी है, 25 जन्मों में किसी जन्म में, चाहे 24वें जन्म में, चाहे 22वें जन्म में, चाहे 21वें जन्म में, मैं तुम्हें बताया कि एक दिन संकेत में तुम्हें समझाया था कि कृष्ण ने जन्म लेने के बाद पूरे 2500 साल तक उसने गर्भ चुना नहीं, क्योंकि उस आत्मा में क्षमता है कि वो कौन से गर्भ में जन्म ले, कब जन्म ले, आप में क्षमता नहीं है, आप मृत्यु को प्राप्त होंगे 2 मिनट बाद, आपको किसी न किसी गर्भ में जाना ही पड़ेगा, जो भी उसमें गर्भ जागृत होगा आपको गर्भ में जन्म लेना पड़ेगा, चंडाल का गर्भ हो सकता है, ब्राह्मण का गर्भ हो सकता है, गरीब का गर्भ हो सकता है, दरिद्र का गर्भ हो सकता है, तुम्हें क्षमता नहीं, तुम रुक सको, क्योंकि तुमने प्राणों को जागृत नहीं किया है, और जिनके प्राण तब तो जागृत है वो मरने के बाद भी शरीर समाप्त हो जाता है, तब इंतजार कर सकता है अच्छे से अच्छे उत्तम कोटि के गर्भ की, और गर्भ में जन्म ले सकता है, और 2500 वर्षों बाद वापस बुद्ध के रूप में जन्म लिया, वही स्थितियां मनाई, और उस बुद्धत्व को पूरे हिंदू और पूरे भारतवर्ष में बुद्ध धर्म फैल गया, मगर उसने चेतना ज्ञान की गरिमा दी, ध्यान की प्रक्रिया दी, और जब बुद्ध बहुत ज्यादा फैला तो फिर शंकराचार्य के रूप में व्यक्ति जन्म लिया, फिर उस आत्मा ने कहा कि नहीं वह हिंदुत्व वह हमारा शास्त्र समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अपने जीवन उदास और उद्धम शरणम गच्छामि, दमम शरणम गच्छामि के अलावा कोई उद्घोष नहीं रहा भारतवर्ष में, तो शंकराचार्य अकेला व्यक्ति केवल 23 साल की अवस्था में पैदल और नंगे पांव हिमालय में घूमता हुआ उस पूर्ण शास्त्र को वापस जाकर चेतन ने किया, और उसके बाद फिर उस गर्भ ने जन्म लिया है, फिर वो तुम्हें ललकार रहा है, फिर तुम्हें आवाज दे रहा है, फिर तुम्हें अपना परिचय देने जा रहा है, फिर तुम्हें समझा रहा है, ऐसी बात जिस जिसने भी कही है उसने गालियां खाई है, कृष्ण ने भी खाई है, बुद्ध ने भी खाई है, शंकराचार्य ने भी खाई है,
बहुत गालियां खाई है, बहुत राखियां खाई है, बहुत आलोचना सही है, इतने जहर उन्होंने जिंदगी में कि आम आदमी इतना जहर पी नहीं सकता। और मुझे मालूम है ऐसा कहने के पीछे मुझे गालियां और आलोचनाओं का मिलेगा नहीं, पर मिलेगा नहीं, मगर मुझे कहने की क्षमता जरूर है, कहना पड़ेगा, इसलिए कि तुम्हारा मेरा हिसाब बकाया है और हिसाब मुझे चुकाना है। किसी जीवन के किसी क्षण में तुमसे वायदा किया होगा, वायदा यह किया होगा कि मैं तुम्हें जरूर ब्रह्मत्व के दर्शन करवाऊंगा और उस वायदे को निभाने के लिए मैं तुम्हें बुलाया है यहाँ। और तब तक बुलाता रहूंगा जब तक तुम पूर्ण रूप से ब्रह्मत्व को प्राप्त नहीं कर लोगे। मैंने पिछले प्रवचन में भी साफ साफ कहा था, मैं अकेला सिद्धाश्रम जाना भी नहीं चाहता। सिद्धाश्रम मेरे लिए कोई बहुत महान घटना नहीं बनी हुई है, उन योगियों के लिए बहुत महान अद्वितीय चीज होगी। मैंने सिद्धाश्रम को बहुत एक सामान्य घटना मेरी जिंदगी में बनाकर कर दी है कि मैं जिस क्षण जाऊं, जिस रूप में जाऊं, सिद्धाश्रम को बदल सकता हूं, बदला हूं, उसके सारे परिवर्तन प्रक्रिया को बदला है, क्योंकि वहां भी उसी टेबल के साथ में जिंदा रहा हूं। वहां पर ऐसा रुंध कुंध में जिंदा नहीं रह सकता, मैं मरा हुआ जिंदा नहीं रह सकता। ऐसा जो आम सन्यासी और आम योगी 20-20 साल से आगे मन किए मंत्र जाप करे था ब्रह्म ब्रह्म, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मेरे लिए बस की बात नहीं, मैं खिलखिलाहट में जिंदा रखता हूँ, विश्वास मुस्कुराहट में भी जिंदा रखता हूँ, मैं रहूंगा तो अपने दर्द के साथ जिंदा रहूंगा। मैं कह रहा तुम इस प्रकार 20 साल बैठे रहने से क्या होगा तुम्हारा, ये सिद्धाश्रम है ही नहीं, इससे तुम्हारा संसार बहुत ज्यादा अच्छे है, तुमसे कोठड़ियां तो बनी हुई है जहां आदमी बैठ सकता है। ओके, तुम कैसे आदमी है, तुम्हें जो कुछ हो मैं दो टूक कहने के लिए आया हूँ, तुम्हें भी मैं दो टूक कहूंगा, क्योंकि कहना मेरा धर्म है, कर्तव्य है। और मैंने बदला, गालियां भी मिली, आलोचना भी मिली, वो तो मिलेगी, वो मेरे साथ पैदा हुई, मैं मां के गर्भ से अकेला पैदा नहीं हुआ, बाधाएं परेशानियां अड़चने कठिनाइयां 4-5 बहनें एक साथ मेरे पैदा हुई हुई, और मैं बड़ा होता गया, वही मेरे साथ बड़ी होती गई। जब भी दो मिनट बाधा जाए, आलोचना आ जाए, उसको उड़ना उड़ा के भेजो तो समस्या आ जाए। और हमारे राजस्थान में रिवाज है कि बहन बेटी आवट ओढ़ना उड़ा करके वापस रवाना कर देना चाहिए, ससुराल रखता नहीं अपने पास, आती है सिर्फ आती है तो वो आई, बहुत अच्छा किया, मिल नहीं रही थी 2-3 दिन हो गए, क्या कर रही थी, क्या हुआ, फिर मैं आ गई ठीक है, कि बड़ा में गाड़ी दे रहा था, मैंने बहुत गाड़ी तो ले गई, गाड़ी से दे रहा मैं सबसे प्रहार करने की ताकत हो, और मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि पहले मेरे आलू तक 2,000 से 2,500 रुपए, क्योंकि मैं 2,500 लोगों को और प्रहार कर सका, उनके दिलों पर चोट कर सका, मैं समझा सका, थोड़ा जगा सका, थोड़ा चेतना दे सका, मुर्दा हूं नहीं इसलिए मुर्दा रहने दूंगा नहीं। और तुम्हें भी इसीलिए उस जन्म में से, चाहे तुम शिष्याएं हो चाहे तुम शिष्य हो, तुम जुड़े हुए तो मुझसे ही हो और मुझसे अलग तुम हो ही नहीं सकते, होने की प्रक्रिया तुम्हारा शरीर जबरदस्ती खेच करके कहीं भी तुम्हें ले जा के पटक सकता है, पर तुम्हारी व्यवस्था है मजबूरी है, मैं उसको रोक भी नहीं सकता, मगर शरीर को तुम खेच के ले जा सकते हो, प्राणों को, आत्मा को, मन को खेच के नहीं ले जा सकते। मन तो हर क्षण, दिल तो हृदय तो मेरे पास तुम्हारा गिरवी है और उसको तुम ले जा सकते ही, संभव नहीं तुम्हारे पास में, ऐसा हो नहीं। और इस बार भी वो आपका हृदय जो मेरे पास पिछले 20-22 जन्मों से पड़ा हुआ था, वो आवाज दे रहा था कि वायदे का क्या हुआ, और मैं सुन रहा था उन दोस्तों, 1 धड़कन, 4 धड़कन, 40 धड़कन, 100 धड़कन, 500 धड़कन, मैंने कहा वायदा निभाऊंगा, उससे पहले जाके सोऊंगा नहीं, उससे पहले उस बात को उनको समझाऊंगा। और इसलिए इस बात मैंने इस बात में ये कहा कि मैं तुम्हारी प्राण चेतना जागृत कर रहा हूं, इस बात तुम्हें प्राणों में ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, इस बात तुम्हें अंदर उतार रहा हूं जहां तुम अपने आप को पहचान सको, जहां तुम अपने ब्रह्मांड को देख सको, जहां तुम अपने गुरु के साक्षात दर्शन कर सको, उस विश्वानंद को देख सको, उस संन्यास को देख सको, उस योगी को देख सको, उस पूरे सिद्धाश्रम को देख सको, मैं वहां तक तुम्हें पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। और निश्चय ही तुम्हारे जो कुछ बीज बोए मैंने इन 2-3 दिनों में, मैं बेकार नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने पूरी धरती को देख के बीज बोए और प्रत्येक बीज अपने आप में पुष्ट बीज है, इस बात का मुझे गारंटी भरोसा है, इस बात की एक खाद पानी बिल्कुल सही है। और इसीलिए इस बार मैं समुद्र के किनारे तुम्हारे साथ खड़ा नहीं रहा, कूदा हूं और बीज मजदार में कूदा हूं, मगर इस बात का तुम्हें पूरा भरोसा यकीन होना चाहिए कि कहीं पर मैं तुम्हारे हाथ जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, हर क्षण तुम्हारे हाथ के साथ। आपके पांव शिथिल हो सकते हैं, आपके पांव लड़खड़ा सकते हैं, आपके आने से आप रुक सकते हैं, आप 4 महीने 6 महीने आराम दो तुम नहीं आ सकते, ऐसा तो हो सकता है, मगर मैं तुम्हें अपने साथ
और निश्चित रूप से अपने साथ रखूंगा, गारंटी के साथ साथ रखूंगा, और जब तक ये बूंद समुद्र में मिल नहीं जाएगी तब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, निश्चित रूप से तुम्हारे साथ। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं अपने आनंद को किस रूप में व्यक्त करूं। तुम्हारा 3 दिन तुम्हारे साथ में रहा हूं और तुमसे ज्यादा आनंद मैंने तुम्हारे साथ प्राप्त किया है, और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं प्रत्येक क्षण को जिंदा रखता हूं। अगर घर में भी होता हूं तो पत्नी से मजाक करता रहता हूं, पोते से मजाक कर सकता हूं, अपने बेटे से मजाक कर सकता हूं, बहुत मैं बिल्कुल हर क्षण को मुर्दे की तरह नहीं जीता हूं, पर हर क्षण उस चिंतन को, उस विचार को अपने सामने रखता हूं कि मेरा लक्ष्य ये शिष्य है। और मैं कहता हूं कि तुम्हारा इष्ट तो राम कृष्ण मंदिर में जाकर तुम दर्शन करते होंगे, राम के दर्शन करते होंगे, हनुमान जी के दर्शन करते होंगे, बालाजी के दर्शन करते होंगे, मेरा इष्ट उनकी जरूरत है ही नहीं, मुझे उन इष्टों की जरूरत नहीं है, मेरे इष्ट मेरे शिष्य है और शिष्यों को मैं पूर्ण तक पहुंचा दूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में ये कहा कि ऐसा मैं गुरु बनना नहीं चाहता हूं, गुरु के पद की मर्यादा बनाना चाहता हूं, आने वाले पीढ़ी याद रख सके गुरु क्या होता है, गुरु का तात्पर्य, गुरु की परिभाषा बदल देना चाहता हूं, गुरु की परिभाषा यह नहीं शिष्य को समझाए, गुरु की परिभाषा यह शिष्य को पकड़ करके समुद्र में छलांग लगा दे, और मैं तुम्हें सांस लेकर के छलांग लगाई है, इस बात प्राणों को जगाया है, जय सांस दिए आवाज, और इस आवाज की बात तुम रुक नहीं पाओगे, तुम्हारा प्रत्येक क्षण आनंद के उस डगर पर व्यतीत होगा, तुम्हारा प्रत्येक जीवन का क्षण उस अमृत की ओर गतिशील होगा, तुम्हारे जीवन को मैंने स्वप्न ढंग से सजाया है, तुम्हारे जीवन को मैंने स्पर्श दिया, अपने प्राणों का स्पर्श दिया है, चेतना दी है, अपने ज्ञान की चेतना दी है, अपनी गरिमा दी है, अपने प्राणों का अंश दिया है, साक्षीभूत रूप में अपने आप को तुम्हें समर्पित बांटा है, इसलिए तुम्हारे बात करने का तेवर, तुम्हारे चलने का तेवर, तुम्हारी क्षमता देखने का तेवर, कुछनों के बाद जब तुम अपने आप में उस ब्रह्मांड को, उस प्राणों को अपने आप में देख सकोगे, तुम उन हिमालय के उन दुर्गम स्थानों को देख सकोगे, उन गुरुओं को देख सकोगे, उन सिद्धासन के योगियों को देख सकोगे, तुम अपने आप में आश्चर्य हो सकोगे, क्योंकि इस भारतवर्ष को मैं अशास्त्र नहीं रहने दूंगा, ये गारंटी की बात है। जितना भी ज्ञान और विज्ञान और जितना भी योग है, दर्शन है, मीमांसा है, कर्मकांड है, ज्योतिष है और वैद्यक है, या जो कुछ भी ज्ञान की गरिमा है, उन गरिमाओं को जीवित रखने का प्रयास मेरे जिंदा भर है, और मैं उन पोथियों में विश्वास नहीं करता हूं जो किताबों में लिखी हुई है और छपा दी, मैं तो जिंदा पोथी लिखना चाहता हूं, आपसे जिंदा पुस्तकें मेरे पास हैं जिनको लिख रहा हूं। मैं तो केवल एक ही बात कह सकता हूं, और अगर मैं उन समस्त और गुरु है और यहां सिद्धासन के योगी भी बैठे हुए हैं, मैं उनके बीच में अपनी बात आपको कहने जा रहा हूं, और बात हकीकत यह है कि इसमें कोई विधाता भी इस लाइन को काट नहीं सकती कि मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तुम्हारा जीवित और जागृत गुरु, मुर्दा गुरु नहीं, चेतना युक्त गुरु, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय पर प्रहार करने की हिम्मत रखता है, ऐसा गुरु जो तुम्हारे हृदय के दरवाजे खटखटा सकता है, हर बार खटखटाएगा, जितनी बार तुम दरवाजे बंद कर दो मैं खटखटाऊंगा, किसी भी हालत को तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बीच में छोड़ने के लिए मैं आया ही नहीं, मैं तुम्हें पकड़ने के लिए आया हूं, पकड़ने के लिए आया हूं, और तुम मुझे आज से छोड़ नहीं सकते, संभव नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें गलत रास्ते पर ले जा नहीं रहा, मैं तुम्हें उस रास्ते पर ले जा रहा हूं जिसकी वजह से ये बात जिंदा रहेगा, उस वजह से, तुम्हारी वजह से बात जिंदा रहेगा जी, क्योंकि जीवन में मैं उस शास्त्र को उतार देना चाहता हूं, वेद मंत्रों को उतार देना चाहता हूं, उन योग को उतार देना चाहता हूं, दर्शन को उतार देना चाहता हूं, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियां पढ़ सके, ज्ञान की चेतना ले सके, हिलोड़ दे सके, और इसीलिए मैं हजारों हजारों दीपों को, हजारों हजारों सूर्य यहाँ जागृत कर रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष आके देख सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या स्थितियां हैं मेरे जीवन की। मगर
तुम्हारी अगर ये बात सही है तो ये बात भी सही है कि, और वो बात भी अगर मैंने अपने गुरुओं की साक्षी में बात कही है कि मेरे जीवन का निर्माण, मेरे जीवन का क्षण प्रत्येक क्षण शिष्य के लिए समर्पित है, आप तो मुझे देने की कुछ हिम्मत रखते नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं, मगर मेरे पास देने के लिए अतुलनीय भंडार जो खाली नहीं हो सकता। मगर अगर वो बात उनके सामने साक्षी भूत रूप में कह रहा हूं तो ये बात भी कह रहा हूं कि मुझे तुम लोगों से शायद बहुत असीम प्यार है। और ईमान से अगर मैं देवता को साक्षी भूत करके कहूं तो मैं हकीकत में तुम्हारे बिना बहुत उदास मुझा रखता। मर्द आदमी हूं, मेरी आंखों की कोर भीग सकती है मगर उस बूंद को मैं अंदर का अंदर पी लेता हूं, बाहर लाने की कोशिश नहीं करता हूं। मगर ये बात बिल्कुल सत्य है कि मैं तुम्हारे बिना जीवित रहने की कोई कामना भी नहीं करता हूं, मुझे ऐसा जीवन का कोई मतलब नहीं है। हर क्षण में तुम्हें अपने पास देखना चाहता हूं, हर क्षण अपनी धड़कन को तुम्हें सुनाना चाहता हूं, तुम्हारे दुख दर्द में मैं उतना ही भागीदार हूं जितना तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य भागीदार है। वो शायद बदल सकता है, मैं तुम्हारे जीवन से बदल नहीं सकता, मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं करूंगा, ये गारंटी के साथ। मगर मेरे लिए वियोग और विछुड़न बहुत दुखदायी शब्द है। जब घर का एक सदस्य अलग हो जाता है तो शायद हजार हजार आंसू कब पड़ते हैं, मैं हजार हजार शिष्यों को अलग करते समय शायद मेरे सीने में सैकड़ों बच्चियां और भाले चुप जाते हैं, घाव हो जाते हैं, और उन घावों से शायद इतना दर्द और इतना वेदना बहती है कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। और कई बार मैं ऑफिस के दरवाजे बंद करके अपने ऑफिस में घंटे दो घंटे बहुत उदास होकर तुम लोगों को याद करता रहता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आरक्षण मुझे आए, मेरी आवाज पर दौड़ते हुए आए, आए और मेरे सीने से लगे, मेरी भुजाओं से मिले, मेरे प्राणों में और धड़कनों में समाए, क्योंकि तुम्हें मैंने अलग समझा ही नहीं। और ये बात भी सही है कि तुम्हारा और मेरा बराबरी का संबंध है, अगर मैं तुम्हारे बिना इतना अधिक बेचैन और तड़फता रहता हूं तो तुम भी आराम से सांस नहीं ले सकते मेरे बिना, तुम्हें भी आरक्षण तुम्हारी कोर भीगती होगी, आरक्षण आंख नम होती होगी, आरक्षण मेरा बिंब तुम्हारी आंखों के सामने तैरता ही होगा, थोड़ा सा काम से फ्री हुए मेरा चेहरा तुम्हारी आंखों के सामने आएगा ही आएगा, और रात को सोओगे और रात को सोते समय आंखें भीगेंगी और आंखों से आंसू बहेंगे तो सुबह उस तकिए को देख लेना मेरा चित्र बना हुआ होगा और कोई चित्र नहीं होगा, क्योंकि मैं इतने निश्चल भाव से प्यार करता हूं और बहुत गहराई और आत्मीयता के साथ प्यार करता हूं। सर इतना अधिक प्यार करता हूं कि अगर मुझे कोई विदाता आकर के मांग ले कि मुझे तुम्हारा जीवन चाहिए और या शिष्य चाहिए तो अपना जीवन एक क्षण के लिए दे दूंगा, मुझे जीवन का मोह है ही नहीं, मुझे तुमसे मोह है, तुमसे प्यार है, तुम मेरे हो, मेरे आत्मा के दर्शन हो, मेरे हृदय के बहुत दिग्गज हो, इसलिए अगर गुरु पूर्णिमा पर दे सको तो मुझे इस जन्मदिवस अवसर पर, तो मैं तुमसे केवल इतनी ही चाहत मांगता हूं कि वियोग तुम्हारा मुझे नहीं मिले, अलग रहने की कल्पना मैं नहीं करना चाहता हूं। ऐसा जीवन मुझे नहीं चाहिए, अलग रहने का कोई मतलब नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, उस जीवन को जीवन के करूंगा भी क्या, मुझे तुमसे कोई नाज या कोई धोती का कुर्ता और कोई 500 रुपए नहीं चाहिए, मुझे केवल अगर दे सके तो आप फिर जुदाई मत दीजिए, मेरे प्राणों से मिलिए, मेरे प्राणों में समाइए, एक प्राण हो जाइए, हर क्षण मेरी तुम्हारे प्रत्येक आंसू में मेरे बिंब तैरना चाहिए, अगर आंसू को तुम देखो तो उस आंसू के अगर कैमरे से फोटो लिया जाए तो उस आंसू के अंदर मेरा चेहरा चित्र बना हुआ होना चाहिए। मैं
आपके जीवन में और जीवन के प्रत्येक धड़कन में। मैं तुम्हारे साथ मुस्कुराता भी हूँ, हंसता भी हूँ, हंसी मजाक भी करता हूँ, मगर तुम जिस प्रकार से आनंद आनंद में डूबो देता हूँ, केवल चार से घंटों के बीच में चार से घंटे तुम दुख और परेशानी से दुखी होकर तप्त होकर जल करके आते हो, तो आते हो तो पूरे जले हुए होते हो दुख और वेदनाओं से, अपने कष्टों से, अपनी बाधाओं से, अपनी परेशानियों से। जब तुम आते हो तो चार छह घंटों के अंदर एकदम आनंद निश्चित हो जाते हो, आनंद उछलने लग जाते हो, होश नहीं रहता तुम्हारे अपने शरीर का। जरूर कहेंगे तुम्हारे मेरे संबंध है, ये संबंध तुम्हारे मेरे आनंद के संबंध है, आंसुओं के संबंध है, प्राणों के संबंध है, प्रेम के संबंध है। उसमें कुछ तुम्हें भान नहीं रहता, भान रह भी नहीं सकता, इसलिए भान नहीं रह सकता कि तुम्हारे मेरे बीच में व्यापार विनिमय नहीं है, तुम्हारे मेरे बीच में एक बीच है, संबंध है। इसलिए दौड़ करके तुम आते हो और थिरकने लग जाते हो, नाचने लग जाते हो, झूमने लग जाते हो। मैं तुम्हें दो दिन देखा है, तुम्हारा एक एक क्षण सार्थक जिंदगी के साथ हुआ है। और मैंने अपनी बात को प्रारंभ करने से पूर्व कहा कि आनंद शब्द शब्दकोश में तो था, मगर मैंने प्रत्यक्ष रूप में दिखाया कि आनंद क्या होता है। झूमते हुए, नाचते हुए, थिरकते हुए, मस्ती के साथ बहते हुए, प्राणों में एक दूसरे समाते हुए। और अगर ऐसा नहीं है तो जीवन बेकार नहीं होगी, जीवन है वह जीवन एक मृत्यु सम जीवन है। उस जीवन को लेकर तुम करोगे भी क्या, उस जीवन का अर्थ भी क्या है, उस जीवन का आनंद भी क्या है। और इसीलिए गुरु को अपने शिष्य से कुछ मांगना नहीं चाहिए, जो मांगता है वो गुरु नहीं बन सकता। और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी नहीं, मैंने हजार बार कहा है, अगर मुझे सामर्थ्य हो सकती है तो मैं सब कुछ प्राप्त करने की क्षमता रखता हूं, प्रकृति से भी, देवताओं से भी, और जो बिल्कुल विपरीत है उनसे भी। तो शत्रुओं पर मैं बहुत काम बन करके गिरता हूं, कांपते हैं, मेरे नाम से भयभीत होते हैं, थर्राते हैं। और मौत को अगर मेरे पास आना पड़ेगा तो 10 बार मुझे पूछना पड़ेगा मेरा नाम, मेरा परिचय, उसके बाद मेरे पास आने की हिम्मत करेगी, उसके पहले उसके आने की हिम्मत नहीं। मैं कहीं पर भी टूटता नहीं हूं, कहीं पर भी विचलित नहीं होता, कहीं पर भी मैं घबराता नहीं हूं। और बिल्कुल हृदय पर आकर के कहता हूं, मैं तुम्हारे वियोग से, तुम्हारे बिछोड़ से बिल्कुल घबरा जाता हूं, बहुत विचलित हो जाता हूं, मैं अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता, मैं कायरता भी नहीं दिखा सकता, मैं ऐसा भी नहीं कह सकता कि तुम शायद नहीं जा पाओगे। जीवन में ऐसा दुख मत देना कि मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना कर सकूं, ऐसा नहीं कर सकूंगा। मैं तुम्हें अपने संपूर्ण हृदय का प्यार दे रहा हूं, अपने जीवन की धड़कने दे रहा हूं, और तुम जितनी भी बहनें हो, बेटियां हो, जितने भी शिष्य हो, शिष्या हो, हर क्षण में तुम्हें देखना चाहता हूं, अपने पास, अपने प्राणों के पास, अपने हृदय के पास। अगर दे सके तो मिलन दे, आनंद दे, सुख दे, प्रेम दे और अस्तित्व दे। मैं तो ऐसे ही तुम लोगों से कामना करता हूं, और तुम्हारी सारी चिंताएं मुझे मिले, तुम्हारे सारे दुख को मैं अपने आप लूट लूंगा। तुम निश्चिंत तो निर्भीक हो, तुम्हें इस संसार में घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे रखवाला हूं, तुम्हारे जीवन का रखवाला हूं, तुम्हारे प्राणों का रखवाला हूं, हर क्षण तुम्हारे साथ में हूं। मैं एक बात तुमसे जल्दी से जल्दी मिलने की कामना करता हुआ मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम हर क्षण मेरे पास रहे, तुम्हारा जीवन में पूर्णता मिले, तुम्हारे प्राण जागृत हो, तुम चैतन्यशील बनो, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट हो, तुम्हारे जीवन में समस्त सुख प्राप्त हो, ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं। इसी प्रकार
Oh!
आप में अभी नहीं, जैसे मैं कहूँ वैसा करोगे, अपने स्थान पर खड़े रहोगे। और ये जयकार जमीन पर खड़े हो तो नहीं बोली जाती, और तुम जमीन पर खड़े हो, मैं तुम्हें एक ही बात कह रहा हूँ, जमीन से 25 फीट ऊपर उछल करके जयकार बोल जाती है।